हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई के क्लर्कल टू ऑफिसर एग्जाम स्केल वन आ चुका है। 23-24 फरवरी को डेट्स आ चुकी हैं, तो तैयारी के लिए सब ऑल द बेस्ट। बाकी मैंने एक ही वीडियो बनाई है जिसमें कि कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। हमेशा एग्ज़ाम में एक या दो कमेटी का पूछते हैं कि ये कमेटी में किसने रोल किस ये कमेटी किससे रिलेटेड है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो हार्डली ये आपका एक या दो नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हैं। इस वीडियो का आप बार बार अगर सुनेंगे तो उसी में ही आपको जो है अपना कमिटीज़ वगैरह वो याद हो सकते हैं। बाकी अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहता है फॉर प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो उसका मोस्ट वेलकम। नंबर नोट कर सकते हैं आप, 08279470702। डियर फ्रेंड्स, फिर कमिटीज़ का स्टार्ट करते हैं। VS व्यास कमेटी रूरल एंड एग्री क्रेडिट के लिए, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, NCLT इरादी कमेटी के, NCLT ट्राइब्यूनल जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए। कैमल्स, इसकी भी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है। कोई वर्ड कैमल्स में से सी या ए या एम इनमें से कोई भी इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ये किसने करा था? एस पद्मानाभन कमेटी थी, उसके थ्रू आया है। वाई बी डामले कमेटी ने क्या कुछ इशू करा था? माइकल। पी डी ओजा रूरल लैंडिंग एंड एसए, MS वर्मा वीक बैंक्स क्लासिफिकेशन, जरीर कामा कमेटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी, SS कोहली डेफिनेशन ऑफ सिक SSI यूनिट्स एंड विलफुल डिफॉल्टर्स, आर के तलवार कस्टमर सर्विस, आर एच खान यूनिवर्सल बैंक रिकमेंडेशन, PL टंडन फॉलो अप ऑफ बैंक क्रेडिट, KB छोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग। पद्मनाभन जो है कैमल्स रेटिंग के बारे में है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। NL मित्रा KYC गाइडलाइंस, और एक और इन्होंने NL मित्रा का है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक फ्रॉड 2001। एक आप छोटा रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें कि आप डेली के करंट अफेयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5-10 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आते हैं। छोटे करंट अफेयर्स आते हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियोस में कवर करा दूंगा। आज सिर्फ हम कमिटीज़ के बारे में बात करें। RJ कमत कमेटी थी एजुकेशन लोन से रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, RN मिर्दा सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रोल ऑफ NGO, कालिया कमेटी, TKCC, PM भसीन रिलेटिंग टू फ्रॉड्स जो बैंक से फ्रॉड्स होते हैं उसकी, घोष कमेटी टू रेगुलेट पेमेंट सेटलमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट, ये डिजिटल पेमेंट का आ सकता है शायद, रतन वटन कमेटी थी। सर्विस एरिया अप्रोच, जैसे एक बैंक है उसके कितना सर्विस एरिया, कहाँ कहाँ वो लोन दे सकता है, कितने एरिया को, वो थी ओझा कमेटी। लीड बैंकिंग सिस्टम गैडगिल कमेटी है। एक और है इसमें, वो है लीड बैंक रिव्यू, वो आपका UK शर्मा जी हैं, उनकी कमेटी है। सॉइल्ड नोट्स हाथी कमेटी है, हाथी से याद रहेगा आपको, सॉइल्ड नोट्स जो फटे पुराने नोट्स होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं हम लोग, वो है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस IT वज है। टर्म लोन्स टू SSI तांबे, कंसोर्शियम एडवांसेस JV शेट्टी, एजुकेशन लोन जो है RJ कमत कमेटी है, IREC NM नरसिम्हा कमेटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI कारवे कमेटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर KS शीर, SS कोहली विलफुल डिफॉल्टर्स, ब्रांच एक्सपेंशन नरीमन। कोई कोई कमेटी रिपीट हो रही होगी लेकिन ठीक है, इससे आपका ही रिविजन हो जाएगा दोबारा। ब्रांच एक्सपेंशन नरीमन, पे स्केल्स ऑफ बैंक ऑफिसर पिल्लई, इंस्पेक्शन सिस्टम ऑफ बैंक RJ दानी, फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स इन NRI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो NRIs हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं उनके रिगार्डिंग, वो उस कमेटी ने इसके रिगार्डिंग पूरा करा था, तो अदानी कमेटी है वो। ट्रेडिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ट्रेडिंग ऐसे करते हैं हम लोग जैसे डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं वो सब चीज़। SS नदकर्णी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, SS तारापुर म्यूचुअल फंड स्कीम, SBI का म्यूचुअल फंड वगैरह आते हैं उससे याद रख सकते हैं। बागुल कमेटी थी वो। रिफॉर्म्स इन स्मॉल सेविंग्स YB रेड्डी, BCSBA तारापुर। कोई अगर गलत हो रहा हो कमेटी तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। FI रंगराजन, HR जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो खंडेलवाल देख रही है। वीकर सेक्शन के लिए घोष कमेटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कालिया कमेटी, फैक्टरिंग कल्याण सुंदरम कमेटी, सेटिंग अप ऑफ ATMs ATM रंगराजन कमेटी, टेलर सिस्टम, टेलर सिस्टम मीन्स जैसे अलग अलग टेलर 1, 2, 3 इस तरह होते हैं ना हमारे बैंक्स में, वो तलवार कमेटी के थ्रू है। BCSBI जो हमारे बैंक्स में, SS तारापुर कमेटी के थ्रू है। फॉर्मेशन ऑफ SBI, ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि SBI के एग्जाम में तो शायद आ सकता है, गोरवाला कमेटी है। MN गोपुरिया कस्टमर सर्विसिंग बैंक, कैसी कस्टमर सर्विस देनी चाहिए इस पे जो MN गोपुरिया कमेटी ने अपनी राय दी थी। घोष कमेटी फ्रॉड्स एंड मैलप्रैक्टिस इन बैंक, CS मूर्ति ने PS गाइडलाइंस रिलीज इन 2007 अप्रैल, जानकी रमन इरेगुलरिटीज इन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, SK कालिया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs, कल्याण सुंदरम फैक्टरिंग, डॉक्टर सी रंगराजन मैकेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन बैंक्स, जो बैंक्स में पहले कंप्यूटर नहीं होते, लेजर सिस्टम होता था। पुराने जो हमारे कलीग्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, पहले लेजर ही होते थे उसी में ही हम लोग मेंटेन करते थे।
लेकिन कंप्यूटर्स के आने से हमें कुछ सहूलियत भी हुई है। तो वो सारा सी रंगराजन कमेटी थी, उसने देखा था। एम वागुल मनी मार्केट रिफॉर्म्स, नरसिम्हन फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, के एस शीर ईएफटी, एस एस तारापुर सीएसई और नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग एस एस तारापुर कमेटी है। एनएल मल्होत्रा इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, बैसल कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, बैसल वाला भी आ सकता है शायद। कैपिटल एडुकेसी, बैसल कमेटी ने कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स के बारे में बताया था कि कितना कैपिटल हमारे पास मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप समझ सकते हैं जिस तरह से एनपीए बढ़ता जा रहा है तो बैंक्स डूबने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बैसल रिकमेंडेशन इज मस्ट। वाईवी रेड्डी मॉडिफाइड लिक्विडिटी मनी एग्रीगेट्स, राकेश मोहन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एस एल कपूर सी टी एम एस सी, सी एस टी एम एस सी लोन्स वगैरह होते हैं जो, इनकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं हम ना। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम फॉर एस एस आई, ये भी एस एल कपूर ने दिया था। आर वी गुप्ता क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम फॉर एग्री 1998, के मंगलम बिरला ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है। आर जे कमत रिवाइज एजुकेशन लोन स्कीम है। वाई एच मालेगाम कॉर्पोरेट पोजिशनिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूटीआई। डॉक्टर ए एस गांगुली एस एस आई एंड एस एम ई फाइनेंसिंग। जे वी शेट्टी कंसोर्शियम फाइनेंस। राशिद जिलानी रिवाइज मेथड ऑफ लेंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। एम एस आई टी वज कमिटी नॉर्म्स फॉर बी के लैंडिंग फॉर डब्ल्यू सी फॉर ट्रेड। डब्ल्यू एस सराफ टेक्नोलॉजी इशूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ओ पी सुधानी फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स। एल सी गुप्ता डेरीवेटिव, एल सी गुप्ता कमेटी डेरीवेटिव के ऊपर है। डेरीवेटिव आप समझ सकते हैं उसका सी आई बी में भी थोड़ा सा पार्ट है। पी आर नायक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एस एस आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गोस्वामी इंडस्ट्रियल सिकनेस। ये सारी कमिटीज हैं, इनसे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। कोई भी कमेटी पूछ लेते हैं, जैसे एन सी आर टी है वो किसके थ्रू आई, राधी कमेटी के थ्रू आई। तो भाई ये आप रोज रोज इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। और कोई और कमेटी भी ऐड करना चाहें तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। बाकी और कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।